गाइस, तो कैसे हो आप सब। अभी आपने जो कमरा देखा वो JNU हॉस्टल का कमरा है मेरा, और अभी हम JNU क्लास के लिए निकल रहे हैं। अभी समय 8:30 हो रहा है और 9 हमारी क्लास है। लॉकडाउन के बाद जो क्लासेस स्टार्ट हुई है वो सिर्फ PG मास्टर फाइनल ईयर वालों के लिए चल रहा है, बाकी जो UG का क्लासेस है वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, फिजिकल क्लास जो है। और इस वजह से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी JNU में क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें कि JNU क्लासेस में किस तरीके से क्लास होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हॉस्टल टू JNU क्लास लेके चलेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा सफर। फाइनली हम डिपार्टमेंट पहुंच गए हैं जहां पे लैंग्वेजेस की क्लास होती है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज SL2, जो कि नई बिल्डिंग बनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा क्लास। फाइनली हम पहुंच गए क्लासरूम, और हमारा जो क्लास है ये 3rd floor में होता है, रूम नंबर 329, जो कि हमारा क्लासरूम है चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट का। JNU में क्लास कैसे होता है? देखिए साथियों, JNU में क्लास कैसे होता है, बदमाश बच्चे बैठे हुए हैं सब। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं आज की क्लास के बारे में, क्लास करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं आप? सुबह 9:15 यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो क्या करने आए, क्लास करने आए ना? बात तो आपकी सही है, पर निदन्ने इसिन सुशांग देखो नेशन को निकाल के रख के आए वहाँ। अरे यार, चलिए तो मामूनी नाच के दिखाओ जरा। अरे 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 गाइज, ये रहा हमारे क्लासरूम से जो व्यू दिख रहा है यहाँ पे। इधर है लैंग्वेज लैब है, इधर ये वाला सामने वाला, और बाकी इधर है पुरानी बिल्डिंग SL की, जो कि यहाँ पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। और सामने वाला वो जो आप देख रहे हो सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। और ये रहा इधर इस साइड में जो है आपका SSS है। तो ये व्यूज़ है हमारा क्लासरूम से जो आपको दिखेगा यहाँ से। सो गाइस, जो अभी आपने देखा ये क्लासरूम था हमारा, अभी आपको दिखाते हैं SL लैंग्वेज की लाइब्रेरी। मैंने लास्ट एक वीडियो में दिखाया था JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी, पर आज की वीडियो में हम आपको SL की लाइब्रेरी दिखाते हैं, जो जहाँ पे लैंग्वेजेस की बुक्स वगैरह है। ये सेपरेट लाइब्रेरी है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ का, वो आपको दिखाता हूँ।
गाइज अभी आपको लेके चलते हैं हमारा चाइनीज सेंटर का जो ऑफिस है, आपको दिखाता हूँ वो, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होता है। सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, जो कि हमारा चाइनीज सेंटर का ऑफिस है, चाइनीज डिपार्टमेंट का ऑफिस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है जो भी है। ये मेन ऑफिस है हमारे चाइनीज डिपार्टमेंट का। हमारे सेंटर के कपिल भैया जो हर काम में हमारी मदद करते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, आपको पूछना है चाइनीज सेंटर से रिलेटेड, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल बंदा है। और हाँ, अदर सेंटर का भी अगर कुछ हो तो आगे पूछ सकते हैं, बता देते हैं जो भी जानते हैं। कपिल भैया स्माइल। देखिए कितने मेहनती है कपिल भैया, डॉक्यूमेंट्स खोजते हुए किसी स्टूडेंट का।